क्या बल हो सकता। कोटर में बालक पड़ा है, देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया, दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। धीरे 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 वो बच्चा जब 9 महीने का पूर्ण हो गया, उसका फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा, तब पीपल के फल नीचे गिरते, उस कोटर में जाते, उस कोटर में वो पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। पीपल के पत्ते का दूध, पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद पीपल के वृक्ष से वो बच्चा प्रकट हुआ और पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ तो देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। मेरा नाम क्या है बाबा? शंकर भगवान ने कहा, तुम पीपल के वृक्ष के अंदर रहकर बड़े हुए हो, पले हो, तुम्हारा जन्म पीपल के वृक्ष से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलात होगा। क्या नाम होगा? पिपलात। तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। मेरा इस संसार सागर में जन्म क्यों हुआ है? किस लिए पैदा हुए? संसार सागर में जन्म का कारण क्या है हमारा? एक बात बहुत अपने जिंदगी में उतारिएगा, रखिएगा। कई लोग सोचते हैं मेरा जन्म भगवान ने क्यों करा, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। किस लिए जन्म हुआ? मर जाऊं तो अच्छा। भगवान इस मृत्यु लोक में अगर आपको रखा है तो केवल यूं ही नहीं रखा है। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अपने कमरे में ये बहुएं ये माताएं अटाले का सामान कभी नहीं रखती है। अपने कमरे में ये बहुएं ये माताएं हमेशा अच्छा सामान रखती है। खुद का फोटो होगा तो रखेगी, पति का फोटो होगा तो रखेगी, अच्छा VIP सामान गुलदस्ता होगा तो रखेगी, कोई अच्छी चीज होगी तो अपने कमरे में रखेगी, कोई फालतू का सामान, फालतू का कोई सामान। आप में से कितनी माताएं जिस कमरे में सोती उस कमरे में सुपड़ा रखती हो? सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो सरी, वो ऐसा होता है फटकने वाला, वो ऐसा फटकन देते ना, तो शादी में बड़ा काम आता है। माँ कभी भी अपने लड़के, जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, माँ उसके सामने कभी ऐसे नहीं फटकती। क्यों? क्योंकि मालूम है माँ को, अगर इसके सामने ऐसा फटका दे दूंगी तो दहेज नहीं आएगा। भाई इतनी चतुर होती है माँ, उसके छोरा हट, क्यों हटकना है, हट उधर 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 उधर, वो नहीं हटे तो माँ ऐसी घूम ही जाए और यूं फटक। उसमें दो कोने होते हैं, सुपड़ा में दो कोने होते हैं, और सुपड़ा क्या काम आता है? कचरा झाड़ने के लिए। अच्छा, सुपड़ा जो काम करता है वही काम चलनी करती है। चलनी का काम क्या है? कचरा झाड़ने का। सुपड़े का काम भी कचरा झाड़ने का, चलनी का काम भी कपड़ा कचरा झाड़ने का है। पहले के समय में सुपड़ा चलता था, आज के जमाने में चलनी चलती। दोनों में एक ही अंतर भारी है, सुपड़ा कचरे को बाहर पटक देता है, अच्छे अच्छे दाने अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को नीचे कर देती है, कचरा कचरा अपने पास रख लेती है। अब अंदाजा लगाकर बैठना कि तुम सुपड़ा हो कि चलनी हो। सुपड़ा अच्छे दाने को अपने पास रखता है और कचरे को फटक देता है, चलनी अच्छे दाने को फटक देती है और कचरे को अपने पास रखती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बनो तो सुपड़े जैसे बनो,
अच्छाई को अपने पास रखो और बुराई को छोड़ते चलो, बुराई पटको। पर कई कई लोग दिन भर चलनी जैसे कान लगा के ही बैठी रहे, क्या बोली पटको, क्या बोली पटको, चलनी जैसे कचरा कचरा कचरा, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा लोभ प्रपंच दुनिया की निंदा बुराई सब अंदर पटको। सुपड़ा बहुत काम का। कोई मां कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता, अपने कमरे में वीआईपी चीज रखेगा, सामान अच्छा रखेगा, अच्छी चीजें अपने कमरे में रखेगा। जो साड़ी अच्छी है उसको अलमारी में रखोगे, जो किसी काम की नहीं उसको उठाकर रख दोगे, जो रकम काम की है सोना चांदी की उसको अलमारी में, जो बेकार है उसको उठा के बाहर। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, अच्छा अच्छा सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर सब अच्छे अच्छे सामान को रखता है, बेकार तो वो रखता ही नहीं है, क्यों रखेगा। कभी मत सोचो कि मैं बेकार हूं, ना 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 ना, कभी नहीं सोचना कि मैं बेकार हूं। महादेव ने अगर आपको रखा है तो अच्छा सोच कर रखा होगा, अच्छा समझ कर। अपने को कभी साधारण नहीं समझना, कभी नहीं। पिपलाद आंखों में जल भरकर आंसू भरकर महादेव के सामने खड़ा होकर रो रहा है, मेरे जन्म का कारण क्या, क्यों जन्मा मैं। जिसके जन्म लेते से उसका पिता चले गया, जिसके जन्म लेते से उसकी मां चली गई, उस पिपलाद का जन्म किस काम का, उस बालक का जन्म किस काम का, नहीं। सुनो पिपलाद, मौत से बचने के लिए गार्ड रख लोगे, मौत से बचने के लिए गनमैन रख लोगे, मौत से बचने के लिए बंदूक वाले रख लोगे, मौत से बचने के लिए पूरी फोर्स लगा सकते हो, पर शिव कह रहे हैं पिपलाद को कि मौत तो वो सत्य है, चाहे तुम बंदूक वाला रख लो, चाहे गनमैन रख लो, चाहे पूरी फोर्स लगा लो, शिव जी पिपलाद से कहते हैं मृत्यु वो सत्य है जो कितने भी गनमैन लगा लो, जब आना होती है तो गनमैन खड़े की खड़े रह जाते हैं और मौत आकर चली जाती है। लगाओ, कितने रखोगे। आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। ये जितने संबंध दिख रहे हैं, ये जितने नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी दिख रहे हैं, सब छोड़ना पड़ेगा, सब। तुम्हारे मरने पर जिस चादर पर सोए होगे चादर फेंक दी जाएगी, जिस गादी पर सोगे गादी फेंक दी जाएगी, जिस कपड़े को पहने रहोगे मरे समय पर वो कपड़ा फेंक दिया जाएगा। पर आज तक कोई सूरमा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पिताजी के गले में सोने की चेन और वो फेंक दे। कपड़े फेंक देंगे, गादी फेंक देंगे, चादर फेंक देंगे, उसके चश्मे फेंक देंगे, उसका डंडा फेंक देंगे, पर उसने सालों साल जो गले में चेन पहन के रखी, हाथ में अंगूठी पहन के रखी, कानों में सोने की मुरकी पहन के रखी, कोई कितना भी बाजू में चिपक चिपक के रोएगा, सारी सोने की रकम निकाल लेंगे चोटे, पर वो नहीं फेंकना, नहीं फेंक। फिर किस काम का, फिर किस काम का।
हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरी भजन और सो गए, कर न पाए हरी